गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक मटेरियल उसका लास्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं अभी तो हमने पैरा मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक के बारे में स्टडी कर लिया है फेरो मैग्नेटिक का डोमेन स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया है डोमेन कैसे अलाइन होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमने देख लिया है अब आते हैं उसी को ग्राफिकल मेथड से हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हिस्टेसिस उसे क्या कहते हैं हिस्टेसिस मींस एक एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो किस तरह से मैग्नेटाइज होगा वो किस तरह से मैग्नेटाइज होगा वो हम अब देखने वाले तो कंसीडर अ सोलेनोइड हमने क्या लिया कि एक सोलेनोइड ले लिया है और उसके अंदर हमने फेरो मटेरियल को प्लेस किया है उसके अंदर हमने फेरो मटेरियल को प्लेस किया है या रॉड को हमने रखा है तो अब जब सोलोनाइट से करंट फ्लो करेगा सोलोनाइट से करंट फ्लो करेगा तो सोलोनाइट क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे असर करेगी इस रॉड पे किस पे असर करेगी इस रॉड पे असर करेगी और ये रॉड मैग्नेटाइज होगा ये रॉड क्या हो जाएगा मैग्नेटाइज होगा अब ये रॉड जब मैग्नेटाइज होगा तो किस तरीके से होगा कितना मैग्नेटाइज होगा कितनी इंटेंसिटी होगी कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो सारा हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला सीखा था दैट थाबिलिटी इन टू एच एंड एच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई मू जीरो माइनस एम ये दो फॉर्मूला यूज करके जो भी हमें वैल्यू निकालना है हम निकाल सकते हैं जो भी हमें वैल्यू निकालना है वो निकाल सकते हैं ठीक है अब जो हम ग्राफ स्टडी करने वाले हैं उसके लिए हमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है एच इज इक्वल टू एन आई तो याद रखो अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मीन करंट अगर सोलोनाइट से फ्लो कर रहा है तो सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा हम किससे दिखाएंगे एच इज इक्वल टू एन आई एच इज इक्वल टू एन आई तो सोलोनाइट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है करंट पे जितना करंट उतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा रॉड को मैग्नेटाइज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो वो हम एच से इंडिकेट करेंगे ओके okay, और दूसरा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है या कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बी तो वो मटेरियल कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा या टोटल फील्ड कितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले उसी को हम क्या कहते हैं हिस्ट्रेसिस उसी को हम क्या कहते हैं हिस्ट्रेसिस तो देख लेते हैं हम ग्राफ पहले देखो अब ये हमारा ग्राफ है यहां है एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू एन आई एच इज इक्वल टू क्या है हमारा एच इज इक्वल टू एन आई तो ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जितना करंट बढ़ेगा उतना एच का वैल्यू बढ़ेगा और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड तो जितना करंट बढ़ेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो रॉड रखा है सोलोनाइट के अंदर वो मैग्नेटाइज होता रहेगा वो क्या होता रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगाटिक मटेरियल ले लिया उसको सोलर के अंदर प्लेस कर दिया अब करंट ऑन नहीं है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है तो ये जीरो पे है कहाँ पे है जीरो पे है तो देखो फिगर शोज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल एज वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब उसको हमें मैग्नेटाइज करना है ठीक है सो सिमिलरली एट पॉइंट ओस एट पॉइंट ओ इनिशियल पॉइंट मटेरियल इज इन नॉन मैग्नेटाइजिंग स्टेट मटेरियल अब मैग्नेटाइज नहीं हुआ है मीन क्या हमने सोलोनाइट के अंदर सिर्फ मटेरियल को रखा है सोलोनाइट को अंदर सिर्फ मटेरियल को रखा है करंट को ऑन नहीं किया है करंट को ऑन नहीं किया है एज द स्ट्रेंथ ऑफ एच इंक्रीजेस अब हमने सोलोनाइट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया करंट ज्यादा होगा तो एच का वैल्यू भी क्या होगा ज्यादा होगा तो अगर करंट बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा तो एच का वैल्यू इंक्रीज हो, हो रहा है एज द स्ट्रेंथ ऑफ एच इंक्रीजेज जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा बी का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा अब बी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो पेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या रहेंगे डोमेन रहेंगे क्या रहेंगे डोमेन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे डोमेन एक डायरेक्शन मीन इस मटेरियल में जो डोमेन है पेरो रॉड में वो क्या होने लगेंगे अलाइन होना स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ना स्टार्ट होगा तो देखो ग्राफ क्या बता रहा है हमें ये देखो डॉटेड लाइन से दिखाया है एज एच इंक्रीजेस जैसे जैसे एच इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है बी भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में बी इंक्रीज हो रहा है हमारा तो अब हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है देखो ये हमारा ग्राफ डॉटेड लाइन से आया है तो एज एच इंक्रीजेस बी भी हमारा एज एच इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रॉड रॉड क्या क्या हो 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 रहा है। हो रहा है हो रहा है। मैग्नेटाइज़ डॉटेड लाइन हमने यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी वो अब सर्टन वैल्यू के बाद एट पॉइंट ए अब हम कहा तक आ गए रॉड मैग्नेटाइज करते करते डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे मीन्स अब एक भी डोमेन बचा नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो सारे के सारे जितने डोमेन थे वो क्या हो गए अलाइन हो गए तो देखो एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम एच का वैल्यू मैक्सिमम हमने कर दिया द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कंडीशन ऑफ द रॉड रॉड क्या हो गया पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो गया अब इसके आगे ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता सेचुरेट हो गया सारे के सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए अब एक भी डोमेन नहीं बचा ये सारे डोमेन क्या हो गए एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो ये मैग्नेटाइज हो गया ये रॉड क्या हो गया मैग्नेटाइज हो गया अब सो कंप्लीट अलाइनमेंट एंड मर्ज ऑफ डोमेन इस केस में पूरी तरीके से डोमेन एक डायरेक्शन में चले गए और सारे के सारे डोमेन मर्ज हो गए मीन्स अब ये रॉड बन गया मैग्नेट अब ये रॉड क्या बन गया मैग्नेट एक डायरेक्शन में नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में साउथ पोल ठीक है If H is further, अगर एच का वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज किया हमने इसके भी आगे तो बी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा अब बी का वैल्यू इंक्रीज क्योंकि मैग्नेट रॉड पूरी तरीके से मैग्नेट बन चुका है तो अब रॉड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला नहीं है रॉड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला नहीं है तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया पहले केस में तो यहां इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है ए पॉइंट को सेचुरेशन क्या दिया है सेचुरेशन अब इसके बाद हम क्या करते हैं अब इसके बाद तो मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है अब इसके बाद हम करंट को ऑफ कर देते करंट को ऑफ अब ये करंट ऑफ कर दिया तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो देखो एच का वैल्यू जीरो हो गया सो नेक्स्ट दिस प्रोसेस इज नॉट अब ये जो प्रोसेस है यहां तक ए तक हम आ चुके पहले ये देख लेते हैं यहां से लेके जीरो से लेके ए तक हम आ चुके अब ये प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते रिवर्स मीन्स वापस ए से हम जीरो पे नहीं आ सकते ए से जीरो पे नहीं आ सकते दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल एट दिस स्टेज इफ द करंट इज सोलर नाइट रिड्यूस अगर करंट को हमने रिड्यूस कर दिया means कम करना स्टार्ट कर दिया तो अर्लियर पार्थ जो हमने ट्रेस किया था वो वापस AO से हम रिटर्न नहीं आ सकते तो ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस ये क्या है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस तो जीरो तक ए चले गए अब आप करंट कम भी करोगे तो वापस डोमेन स्ट्रक्चर रैंडम अलाइन नहीं होंगे डोमेन स्ट्रक्चर रैंडम अलाइन नहीं होंगे डोमेन स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगे तो ये जीरो वापस नहीं होगा सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा ठीक है अब यह समझ में आ गया अब हम सेचुरेशन तक है अब हम क्या है सैचुरेशन तक, अब हम करंट को जीरो कर देंगे क्या कर देंगे करंट को जीरो तो एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में

तो ये कहा आएगा ए से लेके हम आएंगे बी पॉइंट तक कहां तक आएंगे बी पॉइंट मीन्स रॉड अब मैग्नेटाइजेशन पकड़ के रखेगा इसका मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं होगा करंट को ऑफ कर दिया मीन सोलोनाइट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है सोलोनाइट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है फिर भी रॉड अपना मैग्नेटाइजेशन नहीं छोड़ रहा है रॉड मैग्नेट बना रहेगा रॉड मैग्नेट बना रहेगा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो अब ये परमानेंट मैग्नेट बन गया तो जैसे ही बी का वैल्यू एच का वैल्यू जीरो हो गया करंट हमने ऑफ कर दिया फिर भी मैग्नेटिक फील्ड रॉड का खत्म नहीं हो रहा है रॉड अपने मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रख रहा है तो उस पकड़ के रखने वाले केस को हम क्या कहते हैं रिटेंटिविटी उसे क्या कहते हैं रिटेंटिविटी जब एच का वैल्यू जीरो होगा तो उस केस में बी का जो वैल्यू होगा उसे हम रिटेंटिविटी कहेंगे देखो क्या कहा है द वैल्यू ऑफ बी वेन एच इज इक्वल टू इज 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 इक्वल इक्वल टू टू रिटेंटिविटी वैल्यू ऑफ नोन एज अ रिटेंटिविटी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइट ने क्या किया पहले रॉड को मैग्नेटाइज कर दिया अब सोलोनाइट का करंट रुक गया फिर भी इसका मैग्नेटाइजेशन रॉड का मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं हो रहा है ये मैग्नेट बना रहेगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहेगी लेकिन एज का वैल्यू क्या है जीरो तो उस एज जब जीरो होगा तो जो बी का वैल्यू होगा उसे हम क्या कहेंगे रिटेंटिविटी द डोमेन अलाइनमेंट इन रिमेन डोमेन का अलाइनमेंट वैसे के वैसे रहेगा चेंज नहीं होगा वो मैग्नेट बना रहेगा ये पॉइंट तक आगे बी पॉइंट तक तो बी पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी इतना मैग्नेटिक फील्ड रॉड पकड़ के रखेगा ठीक है अब वेन करंट इन इनोनाइट इंक्रीज इन अ रिवर्स डायरेक्शन अब सोलोनाइट के करंट को हमने रिवर्स कर दिया सोलोनाइट के करंट को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया मीन क्या हो रहा है तो देखो पहले हमारे पास सोलोनाइट था पहले सोलोनाइट था और इसके अंदर हमने रॉड कर रखा था इसके अंदर क्या रखा था रॉड कर रखा था तो पहले करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा था पहले करंट अब करंट को हमने रिवर्स कर दिया करंट को क्या कर दिया रिवर्स दूसरे डायरेक्शन से करंट अब एंटर हो रहा है अब करंट रिवर्स हो रहा है अब जब करंट रिवर्स होगा तो पहले जो अलाइनमेंट हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले ऐसा था तो डोमेन भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया रिवर्स हो गया अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिवर्स हो गया उल्टा हो गया मैग्नेटिक फील्ड तो अब रॉड रॉड का मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो जैसे जैसे हम अपोजिट रिवर्स करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डोमेन वापस अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे तो डोमेन अब रोटेट होंगे या फ्लिपिंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वापस अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे ओके तो पहले पहले जब रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा रॉड मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा अब देखो

रिवर्स डायरेक्शन में करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में अब तो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा सो तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कम हो रहा है एक सर्टन पॉइंट सी पे एट पॉइंट सी बी इज इक्वल टू जीरो जीरो मीन्स रॉड अब मैग्नेटाइज नहीं रहा रॉड ने जो पकड़ के रखा था मैग्नेटिज्म वो वैनिश हो गया वो चला गया तो इस पॉइंट को कहते हैं कोर्सिविटी इस पॉइंट को क्या कहते हैं कोर्सिविटी कोर्सिविटी मीन्स वेयर बी इज इक्वल टू जीरो एच इज इक्वल टू नॉट जीरो

तो वापस ये मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट होगा मैग्नेटाइजेशन होगा ना स्टार्ट होगा लेकिन मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पहले अगर नॉर्थ साउथ था पहले अगर नॉर्थ साउथ था तो अब साउथ नॉर्थ उल्टा मैग्नेट बनेगा अब क्या बनेगा उल्टा मैग्नेट बनेगा अब यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उल्टी हो गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उल्टा हो गया इफ करंट फर्दर इंक्रीजेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन बी इंक्रीजेस एंड अगेन रीच द सेचुरेशन तो यहां अगर मैग्नेट ऐसा बना था इस केस में मैग्नेट बना था नॉर्थ साउथ तो इस केस में मैग्नेट कैसे बनेगा साउथ नॉर्थ उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया तो यहां अब सेचुरेशन हो गया वापस ये भी सेचुरेशन था ये भी सेचुरेशन पॉइंट आ गया अब सेचुरेशन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में अब इसके आगे आप एच का वैल्यू कितना भी बढ़ाओ एच का वैल्यू कितना भी बढ़ाओ रॉड मैग्नेटाइज होने वाला नहीं था अब डोमेन सारे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए सारे सारे तो वापस फेरनेटिक मटेरियल क्या बन गया वापस को रिपीट करेंगे अब बी का वैल्यू जीरो करंट को रोक देंगे करंट को रोक देंगे तो एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा वापस ग्राफ यहां तक आ जाएगा ई पॉइंट तक रॉड की मैग्नेटिक फील्ड वैनिश नहीं होगी उसे कहेंगे रिटेंटिविटी ये आ गया रिटेंटिविटी वापस रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन वाला करंट वापस रैंडमली अलाइन हो जाएगा सारे के सारे डोमेन क्या हो जाएंगे रैंडमली अलाइन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वापस फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो जाएगी उसकी वापस इनिशियल स्टेज पे आ गया मीनस रैंडमली ओरिएंटेड पे आ गया उसके बाद वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करेंगे तो वापस ये चला जाएगा सैचुरेशन लेवल पे तो ये इस तरह से एक लूप कंप्लीट होगा और इस एक लूप को क्या कहेंगे हिस्ट्रेसिस क्या कहेंगे हिस्ट्रेसिस तो पहले हमने करंट को बढ़ाया फिरनेटिक मटेरियल मैग्नेट बन गया एक डायरेक्शन में देन हमने करंट को ऑफ किया फिर भी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश नहीं हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसे कहेंगे हम रिटेंटिविटी देन अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे दिया वापस डोमेन स्ट्रक्चर रैंडमली अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो गया मैग्नेटिक फील्ड

फॉरवर्ड डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो वापस उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो गई मैग्नेटिक फील्ड उसमें से चला जाएगा तो पहले रॉड जो मैग्नेट बना था वैनिश हो गई वापस वो मटेरियल बन गया डोमेन रैंडमली अलाइन हो गए वापस अगर हमने इसको इंक्रीज किया फील्ड को इंक्रीज किया पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वापस सेचुरेशन तो ये चलता रहेगा ये चलता रहेगा और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं ठीक है तो अब इस पर ध्यान क्या देना है अगर करंट ऑफ करने पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इसका बचा रहता है अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बचा रहता है बी का वैल्यू ग्रेटर तो हार्ड ये क्या है हार्ड ये क्या है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होते हैं और दूसरा होता है सॉफ्ट पेरोमैग्नेटिक दूसरा क्या होता है सॉफ्ट पेरो मैग्नेटिक बताता हूं दोनों में डिफरेंस अब देखो अब अगर हिस्ट्रसिस इस तरह से होगा ये एच और ये बी ओके okay. अगर हिस्ट्रोसि छोटा सा होगा इस तरह से देखो। रिटेंटिविटी कम है रिटेंटिविटी कम है तो अगर एच का वैल्यू पे रिटेंटिविटी कम है तो ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक ये क्या है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और हार्ड फेरोमैग्नेटिक ये है हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक ये क्या है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा मैरोड में रहेगा और यहां क्या है ये यहां से जाना चाहिए था सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक ये क्या है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मीन्स थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचती है तो जैसे ही करंट हम भेजेंगे ये मैग्नेट बन जाएगा करंट ऑफ करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश इसे कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक इसे क्या कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल इसे कहते हैं हम सॉफ्ट मटेरियल और अगर हमने करंट को ऑन किया तो मटेरियल मैग्नेट बनेगा मटेरियल मैग्नेट करेगा करंट को ऑफ करेंगे फिर भी मटेरियल मैग्नेट बना रहेगा इसे कहेंगे परमानेंट मैग्नेट इसे क्या कहेंगे परमानेंट मैग्नेट और परमैगनेट परमानंट मैग्नेट हार्ड फेरोमैग्नेट से बनता है किससे हार्ड तो दोनों भी पॉइंट समझ में आ गए हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक ठीक है हार्ड फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्पररी मैग्नेट के लिए यूज होता है तो इसी को रिलेट करते हैं हम आगे वाला कंसेप्ट जिसे कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है पहले इलेक्ट्रो मैग्नेट के आते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट कैसे बनता है तो यहां सोलोनाइट के अंदर सॉरी अगर हम सोलोनाइट के अंदर सॉफ्ट आयन का रॉड रखते हैं सॉफ्ट मटेरियल का रॉड सॉफ्ट आयन सॉफ्ट आयन रॉड रखते हैं ठीक है थीके? अब जैसे ही सोलोनाइट में करंट फ्लो करने लगेगा जैसे ही इड में करंट फ्लो करने लगेगा यह मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा मैगनेट ये रॉड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं कर पाएगा रिटर्न नहीं कर पाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा वापस मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगा तो वापस यह मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या कहा जाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है. जिसकी retentivity क्या होती है है जिसकी जिसकी क्या क्या बहुत कम कम तो temporary या या बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं फिर soft ferromagnetic material, जिसकी retentivity कम हो जिसकी रिटेंटिविटी क्या हो कम हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिटर्न या रोक के नहीं रेख पाएगा ठीक है अब ऐसे मैग्नेट कहा होते हैं ऐसे मैग्नेट यूज होते हैं स्पीकर में यूज होते हैं ऐसे मैग्नेट कहा में यूज होते हैं बेल जो होता है हमारा जो बचता है टिंग टोंग करके उस बेल में इसका यूज होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट का यूज होता है देन नेक्स्ट यूज होता है क्रेन में यूज होता है अगर मैग्नेटिक मटेरियल हमें उठाना है तो क्रेन में हम इलेक्ट्रो मैग्नेट ऑन करते हैं उसको मैग्नेटिक सारे मटेरियल चिपक जाते हैं तो दूसरी जगह हम करंट को ऑफ करते हैं सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश और सारे मटेरियल नीचे कर जाते हैं तो क्रेन में इसका यूज होता है

मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा और सोलोनाइट का करंट हम ऑफ कर देंगे फिर भी रॉड मैग्नेट बना रहेगा फिर भी रॉड मैग्नेट बना रहेगा ऐसे तो अब ये परमानेंट मैग्नेट बन गया क्या बन गया परमानेंट मैग्नेट तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी ये मैग्नेट बन गया मीन्स इसके पास हाई रिटेंटिविटी रहेगी क्या रहेगी हाई रिटेंटिविटी ठीक है तो जिसके पास हाई रिटेंटिविटी होती है वैसे मैग्नेट वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं समझ में आ गया सॉफ्ट और हार्ड ठीक है तो ये हो गया कंसेप्ट परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग किस पे आते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग अब हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं क्या रखते

तो आयन रिंग लिया है हमने क्या लिया आयन रिंग तो ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है अब इसको हमने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अब ये अबनेटिक मटेरियल है है तो मटेरियल क्या करता मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइन किससे पास होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से किससे पास होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से लाइन पास होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइन कहां से पास कर रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बहुत कम लाइन अंदर से जाएगी तो अब मैग्नेटिक फील्ड इन साइड इन साइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इन साइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक शील्डिंग इसे क्या कहा जाता है मैग्नेटिक शील्डिंग तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आप लूप बनाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास करेंगी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से और अंदर वाला जो गैप होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं होता तो ये फील्ड ये जो जगह है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बच गई ये जो जगह है ये मैग्नेटिक फील्ड से बच गई यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये यूज होता है ठीक है तो इस तरह से कैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है मैग्नेटिक शील्डिंग करने के लिए कि अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना आए इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से उसको ढक देते हैं उसको कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से अब ये यूज कहां होता है तो जहां जहां अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाली नहीं चाहिए तो वो एक्सपेरमेंट हम कहा करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाले रूम में मीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जिसको शील्ड किया गया है जिसको शील्ड किया गया ऐसे प्लेस में हम क्या करेंगे ये यूज करेंगे या फिर हम एनएमआर जैसे मशीन यूज करते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं बॉडी का स्टडी करने के लिए तो वहां भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए तो उस रूम रूम को क्या किया जाता है मैग्नेटिक शील्डिंग मैग्नेटिक शील्ड किया जाता है कि बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो अंदर ना आए इसके लिए मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है कि कोई भी अंदर वाले एरिया में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आए तो ये समझ में आ गया दो कंसेप्ट तो यहाँ हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ओके इजी चैप्टर है बहुत

तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इस चैप्टर के लिए ला सकते हैं तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं ओके थैंक यू